तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, साल 2022 गाड़ियों के लिहाज से बहुत बड़ा दिलचस्प रहा है। 2020 और 2021 के लॉकडाउन, मार्केट डाउन और मंदी की मार के बाद 2020 में सब कुछ फिर से पटरी पर आने के लिए गाड़ियों का चलना बहुत ज़रूरी था। इस साल एक से एक बढ़कर कार लॉन्च हुई और पसंद भी की जा रही है। लेकिन इकोनॉमी की डेली कॉमेडिक कोर्स की बात करें तो ये पांच गाड़ियां 2022 में सबसे ज़्यादा चर्चा में भी रही है और इनकी परफॉर्मेंस भी लाजवाब रही है। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में पांचवें नंबर पर आती है वोल्क्सवैगन वर्चुअस। दुनिया भर की कार की बात करें तो जर्मन इंजन्स की सबसे ज़्यादा तारीफ होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए वोल्क्सवैगन ने इकोनॉमिक रेंज में वोल्क्सवैगन वर्चुअस लॉन्च की है, जो बाकी इकोनॉमिक गाड़ियों के देखते हुए थोड़ी महंगी ज़रूर है, पर इनकी परफॉर्मेंस और सेडान लुक में कोई कमी नहीं है। वोल्क्सवैगन वर्चुअस भी 998 सीसी का लेकर 1498 सीसी की डिस्प्लेसमेंट में पेट्रोल और डीजल, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों वेरिएंट में उपलब्ध है। लेकिन इसकी कीमत 11.32 लाख से लेकर 18.2 लाख तक हो सकती है, जो एक्स शोरूम प्राइस है। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर आती है टाटा नेक्सोन काजीरंगा। और 1497 सीसी का डिस्प्लेसमेंट वाली टाटा नेक्सोन काजीरंगा 27 अगस्त 2022 को रिलीज़ हुई थी। टाटा के भरोसों के साथ नेक्सोन इकोनॉमिक गाड़ी में बहुत पसंद की जा रही है। नेक्सोन का ZX प्लस काजीरंगा एडिशन डीजल एक या दो नहीं बल्कि 8-8 क्लस में ऑप्शन भी मिल जाते हैं। इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 13 लाख से 40 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाता है। तो अब हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है किया सोनेट। 8 अप्रैल 2022 को लॉन्च हुई किया सोनेट भले ही सेल में बहुत ऊपर न निकल पाई हो, पर यूजर रिव्यू में इसे बेस्ट होमली कार कहा जाता है। इस कार के तारीफ की मुख्य वजह है इसका खूबसूरत और आकर्षक डिजाइन, प्लस इसका आरामदायक इंटीरियर। किसी भी 4-5 लोगों को की फैमिली के अंदर इस कार को बहुत पसंद किया गया है। इसके इंजन की बात करें तो 1000 सीसी का इंजन पेट्रोल वर्जन में है, जो प्रीमियम डीजल मॉडल में 15 सीसी तक पहुंच जाता है। इसकी कीमत भी 7.50 लाख से शुरू होती है, पर इसका टॉप मॉडल ऑटोमेटिक वेरिएंट में 13 लाख 90 हज़ार तक हो जाता है। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। महिंद्रा की साहबदार एसयूवी स्कॉर्पियो का नया वर्जन स्कॉर्पियो एन बहुत ही प्रचलित हो रहा है। यह वर्जन 27 जून 2022 को लॉन्च हुआ था। लॉन्च के पहले हफ्ते से ही इस गाड़ी के लिए 2 से 3 महीने की वेटिंग शुरू हो चुकी है, जो अब तक चल रही है। इस गाड़ी की यह भी एक खासियत है कि इसके साथ 25 वेरियंट रिलीज़ हुए हैं, जिनमें पेट्रोल मैनुअल से लेकर डीजल ऑटोमेटिक तक सब शामिल है। इसकी कीमत भी एक शोरूम प्राइस 12 से 24 लाख तक की वेरिएब करती है। 200 BHP की पावर के साथ दमदार स्कॉर्पियो अब तक हाईटेक और टेक फ्रेंडली भी हो चुकी है। तो दोस्तों, अब आखिर में हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आती है मारुति सुजुकी बलेनो अल्फा। इकोनॉमिक गाड़ियों में देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार कंपनी मारुति सुजुकी ने इस साल 23 फरवरी को मारुति सुजुकी बलेनो का अल्फा मॉडल रिलीज़ किया है। प्रीमियम हैबज के साथ साथ बजट प्राइस में इस गाड़ी का कोई जवाब नहीं है। लगभग 1200 सीसी का कम्पैक्ट इंजन इसे डेली यूज़ के लिए परफेक्ट बनाता है। 20 से 23 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज जब भी हल्की होने से बचा लेता है। इसकी कीमत 6.50 हज़ार से लेकर 9 लाख 71 हज़ार तक हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो यहां पर ही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इन पांचों में से कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको इसे ही वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।